तमाम दोस्त अहबाब बुजुर्ग आवाम जो भी जिम्मेदारान जो लीडर हैं हाफिज़र हैं अस्सलाम वालेकुम। और ये रब्बे इस्लाम उजागर सोसाइटी से एस्टिमेट प्रेसिडेंट अब्दुल रऊफ मेरा नाम है। आज की हालत लॉकडाउन के वजह से तकरीबन गरीब तबका परेशान है। जो भी मेरे बहन जो घरों का काम कर गुजरान करते हैं या होटल के लेबर हैं या बेवा लोग का मसाइल है और लॉकडाउन के वजह से तकरीबन बिल रुखेवा हैं कुछ लोगों का और 2 महीने का माफ़ कराना लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़रूरी है। और जो बाकी का जो बिल बैलेंस है और उनको कभी हमारे मकान के अंदर कभी 500 रुपये बिल आ रहा है तो हम आवाम 1000-1500 करके क्लियर करेंगे। मगर इस तरह के लिए तो आवाम को बहुत सहूलत होंगी और लाइट इलेक्ट्रॉनिक वाले लाइट का बिल एक साथ भरो बोलने से नहीं भर सकते गरीब लोग। ये मेरी अपील है। उसके लिए हमने रब्बे इस्लाम उजागर सोसाइटी के जानिब से तकरीबन जैसा लॉकडाउन खुलिया जैसा लाइट के बिल वाले जैसा लेटर के बिल देना चालू करें तो जब ही हम लेटर नरेंद्र मोदी तक और गुलबर्ग के डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर जो जिम्मेदारन हैं उनको भी दे चुके थे लेटर, कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं आया। खुद का मेरा बिल 7000 रुपये था, इससे पहले 5000 रुपये था, वहाँ पर मैं 2 से 2500 रुपये ले गया था मगर लेने से इनकार करे जो लाइट के ऑफिसर के लाइट का बिल पूरा 7000 रुपये पूरा भरना बोले। मैं चले गए उसके बाद और 2-4 दिन पहले की बात है और भी 4000 रुपये तक मैं भरता हूँ साहब लाइट का बिल, आप लियो सहूलत दो, लॉकडाउन से परेशान हैं हम लोग बोले बिल्कुल उन्होंने लेने से इनकार करे 4000 रुपये। तो उसके लिए हमने रब्बे इस्लाम उजागर सोसाइटी के जानिब से हम धरना देने वाले हैं गंज रोड मरगम्मा गुड़ी टेम्पल पर 1 बजे रोड स्ट्राइक करेंगे हमें 7 तारीख के दिन। इतना बोलते हुए फिर भी जिम्मेदारन से और हाफिसर से मेरी गुजारिश है रिक्वेस्ट है आवाम एक साथ लाइट का बिल नहीं भर सकते, उनको सहूलत दिए जाए और गरीब तबके के लिए 2 महीने का लाइट का बिल जो रखे हुआ है लॉकडाउन से अभी तक उनको माफ़ कर दिया है। इतनी बात बोलते हुए अपनी बात को मैं मुकम्मल करता हूँ।